पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत के तत्वावधान में एक समीक्षा बैठक सर्किट हाउस स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिश्र ने समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पुलवामा में शहीद हुए 44 फौजियों की शहादत को याद किया। साथ ही परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि आज भ्रष्टाचार दमन परिषद की विशाल रैली थी, लेकिन पुलवामा में हुए आतंकी हमले की वजह से रैली को स्थगित कर दिया गया। समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिश्रा, अनिल कुमार शर्मा, राजकुमार गौतम एडवोकेट, मनीष प्रताप सिंह एडवोकेट के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आज हमारा जो मुरादाबाद मंडल है उसमें एक महारैली होनी थी, परंतु आज देश के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई और इस घटना को देखते हुए हमने रैली को 3 दिन पहले ही स्थगित किया गया और ये कहा गया कि भाई मैं स्वयं जो है वहाँ जाऊँगा और अपने कार्यकर्ताओं से मिलूँ। आज देश जो रो रहा है उसको स्थिति को देखते हुए हमारी परिषद ने 3 दिन पहले ही ये सेंट्रल अपनी कमेटी बुलाई और कमेटी में ये पास किया कि भाई जो हमारे 42 जवान जो है इस घटना में शहीद हुए उनके लिए हमने भारत सरकार से ये मांग रखी है कि 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार को तो धनराशि दी जाए। दूसरा, उसके जो भी परिवार का बच्चा है उसकी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क की जाए और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजों में, जैसे आपका देहरादून में है कॉलेज, उसकी मांग की है कि भाई आप जो भी बच्चा है 42 जवानों का उसकी जो एडमिशन हो वो एक ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो एक अच्छा भविष्य बने, देश का उज्जवल भविष्य बने और वो ये ना सोचे कि मेरे पिता नहीं है आज तो मेरी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए सरकार के लिए मैं ये मांग करता हूँ कि भाई उसका फ्री व्यवस्था की जाए। तीसरी जो है, आने वाले समय में जो ये कह रहे हैं कि प्रदेशों ने भी पैसा दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है, तो इसमें जो धनराशि दे रहे हैं वो कुछ कम लग रहे हैं, इसलिए हमने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। दोनों की मिलाकर, चाहे राज्य की और दोनों की मिलाकर 1 करोड़ हो जाए, परंतु 1 करोड़ रुपए से कम ना दिया जाए जिससे जो है धनराशि कोई भला नहीं होगा, परंतु धनराशि किसी के लिए भी है। जो व्यक्ति जिस परिवार का बच्चा चला गया उस माँ बापों से पूछिए कि वो किस घटना को किस हिसाब से रो रहे हैं। आज इसकी पत्नी का पति चला गया, जिसका पिता चला गया, उसके लिए बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना के लिए मैं सभी राजनीतिक दलों से भी ये बात कहता हूँ कि एक साथ एक सुर एक होकर ही जो है, और आज मुझे हिंदुस्तान में ये लगा कि सरकार सत्ता के साथ सभी जने हैं, सभी समाज से भी संगठन भी आज एक ही सुर से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ न कुछ करारा जवाब मिलना चाहिए। और मेरे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 दिन, 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान के लिए जो करारा जवाब हुआ।